तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के कथित जथेदार इकबाल सिंह हर समय किसी न किसी विवाद के जुड़े रहते हैं। पुजारी इकबाल सिंह ने कोलकाता के गुरुद्वारा जगत सुधार के ग्रंथी समेत कई होर सिखां नूं पंथों चेकन का मनमता फतवा जारी किया। उस नूं लैके इकबाल सिंह नूं हुण कानूनी नोटिस जारी होया। कानूनी नोटिस जारी होने बाद इकबाल सिंह एक बार फिर तो कसूती स्थिति में फस गया है। इस तो पहला उन्होंने कोलकाता के गुरुद्वारा जगत सुधार के हैड ग्रंथी जरनैल सिंह के सवालों ने घेर लिया। स्थिति उदो होर भी हैरानीजनक बन गई जदों जरनैल सिंह ने जथेदार इकबाल सिंह जनतक माफ़ी मांगने लिए कहा, तो फिर मानहानि का केस का सामना करना पिया। जिक्रयोग है कि तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब के कथित जथेदार इकबाल सिंह ने बीते दिन एक फतवा जारी करदिया अकाल तख्त साहब के सबका जथेदार प्रोफेसर दर्शन सिंह का कोलकाता में कीर्तन करवाने के दोष में कुछ सिख व्यक्तियों को तनखाइया करार देंदिया कहा कि इन्हों मिलवरतन ना किया जाए। इस गुरुद्वारा जगत सुधार के हैड ग्रंथी भाई जरनैल सिंह का नाम भी शामिल सी। तो उस दरम्यान जरनैल सिंह अते इकबाल सिंह की गलबात एक ऑडियो सोशल मीडिया से वायरल हो रहा है, जिस तो बाद पंथर की चटकारी लैके एक दूजे के नाल इस ऑडियो को साझी करते रहे। ऑडियो में पहला तो ज्ञानी इकबाल सिंह जरनैल सिंह गलबात करदे पैरों के पानी नहीं पैन दिंदा सी, जिस तो बाद जरनैल सिंह ने मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी दी सी। जिस तो बाद हुण पीड़ित बरिंदर सिंह, हरजीत सिंह, सिख नारी मंच कोलकाता के नरिंदर सिंह, अमरजीत सिंह अते जसमीत सिंह नां दे सिंघां वल्लों कानूनी नोटिस इकबाल सिंह नूं भेजा गया, जिदे विच इकबाल सिंह वल्लों जारी फतवे नूं कानून की उलंघना अते उन्हां दे अधिकारां दे उल्ट दस्सिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिख न्यूज़ एक्सप्रेस। जेकर तुहानूं साडा इह उपराला चंगा लगा है तां इस नूं लाइक करो, शेयर करो अते साडे यूट्यूब चैनल नूं सबसक्राइब करो।